अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है डेटाबेस सिस्टम का। क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन डेटाबेस सिस्टम, व्हाट आर द फोर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। अच्छा जी, डेटाबेस सिस्टम हमारे पास क्या होता है, इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एज वेल एज प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड टू मैनेज दैट डेटा। डेटाबेस सिस्टम हमारे पास कलेक्शन है किसका, डेटा का, एज वेल एज प्रोग्राम्स, इसमें प्रोग्राम्स भी होते हैं रिक्वायर्ड टू मैनेज दैट डेटा, जो कि उस डेटा को मैनेज कर रहे होते हैं। डेटाबेस को हमने डिफाइन किया था कि डेटाबेस हमारे पास क्या था, दैट वाज अ लॉजिकली रिलेटेड डेटा। जब एक लॉजिकली रिलेटेड डेटा को आप किसी एक जगह पर स्टोर कर रहे हैं तो वो हमारे पास बन रही थी एक डेटाबेस, और उस डेटाबेस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, उसको रन करवाने के लिए जो हमें सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होगा वो क्या कहलाएगा, डेटाबेस सिस्टम कहलाएगा। तो इसलिए डेटाबेस सिस्टम में क्या क्या चीजें आएंगी, एक तो आपका डेटा आएगा प्लस प्रोग्राम्स जो कि उस डेटा को जो है वो मैनेज करेंगे। डेटाबेस सिस्टम इज अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। ठीक है जी, डेटाबेस सिस्टम हमारे पास क्या है, कंप्यूटराइज्ड हम डेटा को जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम जो है डेटाबेस सिस्टम है। द मेन पर्पज ऑफ दिस सिस्टम इज टू मेंटेन द डेटा एंड प्रोवाइडेड टू यूजर व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। तो इसका मेन पर्पज क्या है डेटाबेस सिस्टम का, कि आपके डेटा को मेंटेन रखे और जब कभी यूजर को इसकी जरूरत हो डेटा की तो वो डेटा को प्रोवाइड किया जा सके। कंपोनेंट्स की तरफ आते हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं डेटाबेस सिस्टम के, फोर मेजर कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन जो है वो है डेटा। डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। डेटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फैक्ट्स स्टोर्ड इन द डेटाबेस। डेटा हमारे पास जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डेटाबेस सिस्टम के अंदर। डेटा हमारे पास क्या है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और फिगर्स जो कि डेटाबेस में स्टोर किए गए होते हैं। द बेसिक पर्पज ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम इज टू स्टोर मेंटेन एंड प्रोसेस डेटा फॉर द यूजर। और बेसिक पर्पज जो है वो डेटाबेस सिस्टम का क्या है, कि वो डेटा को स्टोर करे, उसको मेंटेन रखे और उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस या ऑपरेशन परफॉर्म करे, किसके लिए, यूजर के लिए। यूजर के लिए ऑब्वियसली हम वो डेटा स्टोर करें ना, तो डेटा स्टोर कौन करे, डेटाबेस में स्टोर किया जा रहा है, उसको जो है वो मैनेज कौन करेगा, डेटाबेस सिस्टम करेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास कंपोनेंट क्या था, डेटा था। सेकेंड जो है वो है हार्डवेयर। हार्डवेयर हमारे पास क्या होता है, द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर। द हार्डवेयर इज यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क सच एज इनपुट आउटपुट स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जो टेंजिबल होते हैं, जो जिन्हें हम छू सकते हैं, वो हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर में हमारे पास क्या कहते हैं, जैसे कि आपका जो है सीपीयू है, मॉनिटर या जो एलसीडी होती है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सारे क्या हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद यूज टू परफॉर्म, दे आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। क्या क्या टास्क परफॉर्म करते हैं ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स, इनपुट आउटपुट स्टोरेज या प्रोसेसिंग जैसे टास्क परफॉर्म करते हैं। इम्पॉर्टेंट, सब इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज जो होती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज जैसे आपके माउस कीबोर्ड है या मॉनिटर वगैरह है, और क्या कहते हैं प्रोसेसर है और मेन मेमोरी। ये हमारे पास क्या है, सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। थर्ड कंपोनेंट की तरफ आते हैं डेटाबेस सिस्टम के, थर्ड कंपोनेंट की तरफ, वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड बाय द कंप्यूटर विद इन अ डेटाबेस सिस्टम। सॉफ्टवेयर हमारे पास कलेक्शन होता है प्रोग्राम्स का। प्रोग्राम्स ये हमने कहा था, हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है सॉफ्टवेयर की, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, और प्रोग्राम्स ही हमारे पास बेसिकली सॉफ्टवेयर होते हैं। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है वो हमारे पास मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाता है। तो सॉफ्टवेयर कौन यूज करता है, ऑब्वियसली कंप्यूटर यूज करता है, और हम क्या कहते हैं यहाँ पे डेटाबेस सिस्टम के कंपोनेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो विद इन अ डेटाबेस सिस्टम आपका कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स को या सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इज डीबीएमएस। इट्स द सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर यूज कर रहा होता है वो डीबीएमएस ही है। इट यूजेस थ्री टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टू इनेबल द डेटाबेस सिस्टम वर्क प्रॉपरली। तीन तरह के हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं ताकि हमारा डेटाबेस सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क कर सके। थ्री टाइप्स के सॉफ्टवेयर के थ्रू ये काम हो रहा होता है। कौन कौन से हैं वो थ्री टाइप्स के सॉफ्टवेयर, फर्स्ट वन है ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मैनेज ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स, इट ऑल्सो इनेबल्स ऑल अदर सॉफ्टवेयर टू रन ऑन द कंप्यूटर। सबसे पहले तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मैनेज करता है, कि किस कंपोनेंट ने किस तरह से क्या ऑपरेशन परफॉर्म करें, किस तरह से काम करना है, और उसके अलावा जितने भी दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं उन्होंने कंप्यूटर पर किस तरह से रन होना है। तो ये सारा मैनेज करने वाला काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हम विंडोज को भी कहते हैं। जब आप कंप्यूटर लेकर आते हैं तो वो आप देख सकते हैं कि आप बेशक उसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं लेकिन वो नहीं चलेगा जब तक कि उसमें आप विंडोज नहीं इंस्टॉल करते। तो विंडोज जो है बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम।
उसके बाद DBMS सॉफ्टवेयर, इट इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज यूज टू क्रिएट एंड मैनेज अ डेटाबेस सिस्टम। DBMS सॉफ्टवेयर हमारे पास जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसको क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये हेल्प करता है टू क्रिएट एंड मैनेज द डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस को बनाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जो है हम DBMS सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। ये था सेकंड सॉफ्टवेयर। और थर्ड पे आता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं? दीज आर यूज टू एक्सेस एंड प्रोसेस द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस। आपके जितने भी क्या कहते हैं आपका डेटा स्टोर है डेटाबेस के अंदर, उसको आपने किस तरह से एक्सेस करना है, रिट्रीव करना है, या कौन सा प्रोसेस अप्लाई करना है, कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, वो सारे काम आप किसके थ्रू करते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू करते हैं। तो ये थे हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर दैट वर यूज इन DBMS, जो कि ओवरऑल मिलकर जो है वो पूरे सिस्टम को रन करते थे। सबसे मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड नंबर पे DBMS सॉफ्टवेयर इटसेल्फ खुद जो था, और थर्ड पे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जिसके जरिए हम डेटा को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं या प्रोसेस कर सकते हैं। फोर्थ कंपोनेंट की तरफ आते हैं डेटाबेस सिस्टम के, वो है पर्सनल। द पीपल रिलेटेड टू द डेटाबेस सिस्टम आर कॉल्ड पर्सनल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन इन आवर डेटाबेस सिस्टम आर एज़ फॉलोज। जितने भी आपके क्या कहते हैं डेटाबेस सिस्टम के साथ लोग कनेक्टेड होंगे, जितने भी पीपल रिलेट करेंगे उस सिस्टम से, वो पर्सनल कराएंगे। और डिफरेंट टाइप्स के पर्सन होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट वन है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द होल डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, नाम से पता चल रहा है कि इसने क्या करना है, आपके पूरे के पूरे डेटाबेस को जो है वो मैनेज करना है। सेकेंड नंबर पे आता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर कौन हो सकता है? ऑब्वियसली जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बना रहा है, राइट कर रहा है, वो प्रोग्रामर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर होगा। द एप्लीकेशन प्रोग्रामर इज अ पर्सन हु राइट्स द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू एक्सेस डेटा फ्रॉम डेटाबेस। हमने अभी ऊपर भी पढ़ा है कि सॉफ्टवेयर के टाइप्स में एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं, जो डेटा एक्सेस करने के लिए यूज हो रहे होते हैं, तो इनको लिखने वाला कौन होगा? एप्लीकेशन प्रोग्रामर कहलाएगा। उसके बाद थर्ड पे आ जाते हैं एंड यूजर्स। द एंड यूजर्स आर द पर्सन्स हु यूज एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस। एंड यूजर हमारे पास वो लोग होते हैं जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज करते हैं ताकि डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें डेटाबेस पे। अभी हमने यही कहा था कि यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज करता है ताकि डेटा को एक्सेस कर सके, डेटा को प्रोसेस कर सके। तो वो पर्सन जो यूज कर रहा है वो क्या होगा? एंड यूजर। दे इंक्लूड क्लर्क्स, मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स। इसमें हमारे पास कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं? क्लर्क्स भी हो सकते हैं, मैनेजर्स या डायरेक्टर्स, यानी कि डिपेंड करता है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन है। अगर कॉलेज होगा तो कॉलेज की डेटाबेस होगी, तो ऑब्वियसली उसको कौन ऑपरेट करेगा? क्लर्क करेंगे कॉलेज के। अगर वो कोई और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिजनेस कम्युनिटी है कुछ इस तरह की, वहां पे मैनेजर्स या डायरेक्टर्स होंगे जो कि इस सिस्टम को यूज करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया डेटाबेस सिस्टम को, DBMS की डेफिनेशन आज हमने पढ़ी, और प्लस उसके जो 4 मेजर कंपोनेंट्स थे उनको डिस्कस किया। ओके, अल्लाह हाफिज़।